नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं वो आज तक का सबसे सरल केक है, सुपर सॉफ्ट है और बहुत ही इजी है। तो उसे हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये केक हर कोई बना सकता है, ना हमें ओटीजी की ज़रूरत है ना ही माइक्रोवेव की। नॉर्मल आप एक घर में कढ़ाई या पतीला चुनिए जो आपके पास हो। इसमें मैंने नमक डालना है एक कटोरी, ये यूज़ किया हुआ है कई बार मैंने नमक को। इस तरीके का कोई भी आपके पास रिंग हो या प्लेट हो वो रखिए। अब ये देखिए फुल फ्लेम है। अब रिंग को यदि मैं यूँ ऊंचाई पे रख रही हूँ तो इसको केक को बनने में करीब 50 मिनट लगेंगे। जो केक मोल्ड यहाँ पर नीचे रखूँगी तो क्या होगा कि ये बहुत थोड़ा जल्दी बनेगा, 30 से 35 मिनट में। ये आपकी च्वाइस है कि आपको कैसा केक चाहिए, तो आप इस हिसाब से। मैंने तो इसको थोड़ा ऊंचाई पे रख दिया है जिससे केक नीचे से बिल्कुल ना जले, आराम से पके। इसे आप एक कोई प्लेट से कवर कर दीजिए और फुल फ्लेम पे इसे गर्म होने दीजिए। अब हमने कढ़ाई को तो ओवन की तरह बना दिया, अब हमें जिस टिन में रखना है उसे हमें सेट करना है। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपके केक कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए केक टिन को हमेशा पहले से ही तैयार रखिए। चारों तरफ मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है। अब इस पर चाहे तो बटर पेपर बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसे लगाएं, या फिर थोड़ा सा ड्राई मैदे को डस्ट कर दें। ये बहुत ही इजी केक है, इसे आप बनाए बिना नहीं रह पाओगे। ये देखिए टिन सेट कर दिया। अब आते हैं हम, ये देखिए एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने सूजी लिया है, बारीक वाली सूजी लिया है 2 कप। इस तरीके के कप होते हैं मेजरिंग कप, इसकी लिंक मैं डाल दूंगी, वो आप ले लीजिए तो बेकिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। या फिर घर में कोई भी कटोरी नाप की ले लीजिए, उसी कटोरी से सारी चीज़ें नापिए। एक कटोरी, 2 कटोरी मैंने सूजी डाला है, 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, इसी कटोरी से 1/2 कटोरी मैदा ले रही हूँ मैं, ये छने हुए हैं सारी चीज़ें, 1/2 कटोरी दही लिया है। यहाँ मैंने लिया है, मुझे 1 कटोरी चाहिए, जैसे आप रिफाइंड ऑयल, घी, बटर कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल ले लिया है। इससे केक बहुत देर तक मॉइस्ट रहता है, फ्रिज में रखते हो तभी भी। 1/2 कटोरी मैंने घर की फ्रेश मलाई ले ली है, दूध से जो मलाई निकलती है वही ले लिया है। मैंने उन्हीं चीज़ों को यूज़ किया है जो हमें घर में मिल जाए। 1 टीस्पून इस तरीके से भर के बेकिंग पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालें, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 पिंच डाल रही हूँ मैं नमक। सारी चीज़ें हमें घर में मिल जाएंगी, किसी एसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब इस सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने नाप कर 1 कप दूध ले लिया है। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर हैं, मतलब उसे फ्रिज में से हमने काफ़ी देर से निकाल के रखा हुआ है। इस केक को हमें बीटर से भी नहीं बनाना है और ये विस्कर से भी बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। इसे हम टिन में डाल देते हैं। अब हमारे पास है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इसमें हम थोड़ा सा ड्राई मैदा लगा देते हैं और इस केक के ऊपर डाल देते हैं। कढ़ाई की प्लेट बहुत ही धीरे से हटाइए, काफ़ी गर्म होता है ये। अब यहाँ पर हमने केक टिन रखना है। इस प्लेट को वापस ऊपर से रख दीजिए। तो फ्लेम को हमें सबसे ज़्यादा लो करना है इस वक्त, क्योंकि हमें जो है केक को आराम से बनाना है, कोई जल्दी नहीं है। बीच में आपको ऐसा कभी भी लगे तो हल्का सा आप लो टू मीडियम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, काफ़ी हीटेड हो रही है कढ़ाई, तो बस हमें थोड़ा सा बिल्कुल ही लो करना है इस वक्त। और हम 30 मिनट बाद इसे चेक करेंगे, 25 से 30 मिनट बाद। 20 मिनट हो गए हैं, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में रखते हैं ना तो मन नहीं मानता, थोड़ा सा देखने का मन करता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिक रहा है और कोई टेंशन नहीं है, हम 10-15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। इसी तरीके से ढक के रखिए। आप गैस की फ्लेम
बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो राइज हो रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कई बार आपके केक को आँच ही ना मिल रही हो, बहुत ज़्यादा नमक की लेयर हो, कढ़ाई बहुत मोटी हो, कुछ भी कारण हो सकता है, तो ऐसे में आपको गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। तो इसीलिए बीच में मैंने आपसे चेक करवाया है। अब इसे चेक कर लेते हैं, 35 मिनट हो चुके हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया केक सिक चुका है, साइडों से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसे हम चेक कर लेते हैं सेंटर में, ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है स्टिक, कोई टेंशन नहीं है। दो बार मैंने इसको 5-5 मिनट के लिए थोड़ा सा गैस को बढ़ा दिया था। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और यहीं पर ही इसे रहने देते हैं। बस 5-7 मिनट बाद इसे लेकर आएंगे, फिर ठंडा करके हम निकालेंगे। केक काफ़ी हद तक ठंडा तो हुआ है लेकिन अभी भी गर्म है, पर हम इसे निकाल के देख सकते हैं। साइडों में एक बार नाइफ इस तरीके से चला लीजिए, वाओ, ये देखिए जो हमने पेपर डाला था वो भी बहुत बढ़िया क्लीन निकला है और बिल्कुल भी जला नहीं है। ये देखिए केक को देखकर आपको लग रहा होगा ना कि इसे हमने कैसे बना लिया इतनी जल्दी, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से जो आपने घर में पड़े होते हैं। हमें कोई एसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप एसेंस की कंपनी पूछते हो कहाँ से लाएं कैसे करें, तो सूजी का मिनटों में केक बन गया बिना ओवन के, बिना किसी टेंशन के। इससे सरल केक वाकई मैंने कभी नहीं बनाया, बहुत ही इजी है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी है। इसे हम थोड़ी देर में अभी काटते हैं, अभी थोड़ा सा गर्म है। अब ये केक पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, इसे हम कट करके दिखाते हैं आपको। बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक बना है और साइडों से ही नहीं, साइडों से तो बहुत बढ़िया बनाई है, सेंटर में भी बहुत बढ़िया पका हुआ है। सिर्फ लाइट कलर का ज़रूर लग रहा है क्योंकि हमने इसे ओवन में नहीं बनाया है। अगर आप ओवन में बनाएंगे तो आप इसे 180 डिग्री पर रखिए और ये केक आपका भी तैयार हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ओवन से ज़्यादा केक यूँ कुकर में या पतीले में बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये केक देखिए कितना बढ़िया, कितना स्पॉन्जी केक बना है। सूजी का केक, इतना टेस्टी केक, इतना स्पॉन्जी केक आपने नहीं बनाया होगा। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, इस सूजी के साथ बहुत ही बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितने भी स्लाइस कीजिए, बहुत ही बढ़िया इस केक को आप करते जाइए, मज़ा आएगा इसे खाने में। टी टाइम पे इस केक को ज़रूर बनाइए। ये देखिए हर पीस में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पॉन्ज और जाली बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी केक बना है। तो इस केक को आप ज़रूर बनाइए, इतने सरल से सुंदर से सॉफ्ट केक को आप ज़रूर बनाइए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।